सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं एंड बेल आइकन पे ऑल प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे ओके सो गाइस यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर नाइन टेन सॉल्व करेंगे ओके नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन के लिए आपको एक कंसेप्ट मैंने क्वेश्चन नंबर वन एंड टू में ही समझा दिया था कि जो आपकी इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो एक एक्स स्क्वायर प्लस की फॉर्म में होती है एंड ये जो एक्स फैक्टर करने पर इस फॉर्म में आती है सो so ये जो अगर आपका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल होगा तो आपकी वैल्यू क्या जाएगी? आ जाएगी अल्फा और बीटा आ जाएगी ये जो वैल्यू आएगी इन वैल्यू का मतलब क्या होता है कि ये वैल्यू अगर आप इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो आपके फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाती है, इसलिए fx होता है। होता ठीक है so, सो यहाँ पर हम कहते हैं एफ एक्स टू जीरो फॉर द वैल्यू एक्स एक्स इक्स टू एल वा एंड के लिए ये जो पोलिनोम है इसकी वैल्यू जीरो होगी राइट एंड इनके बीच में रिलेशनशिप भी है आपका ऑफ द पोलिनोम एंड कॉफिशियन किसके पोलोम जो आपको पोलिनोमल दिया है इसके कॉफिशियट एंड ऑफ द पोलिनोमल जो आपके आए हैं वो इनके इक्वल होता है ये स्टार्टिंग में सभी को मालूम हो गया होगा सो so इस चीज को हम क्वेश्चन uh, को सॉल्व कर लेते हैं इसको नहीं करते ये क्वेश्चन कंसेप्ट आप स्टार्ट बैटिंग की वीडियोस में देख लीजिएगा बेसिक कांसेप्ट की पूरी वीडियो मैंने आपको समझाई हुई है गाइस वहां से देख लीजिएगा वो मस्ट है पूरे चैप्टर का अगर आप polynomial का कांसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए ओके सो आइए इक्वेशन क्वेश्चन नंबर नाइन की आपको दी हुई है 4x2 दिया हुआ है यू हैव टू फैक्ट्राइज फर्स्टली एक्स वन इंटू फोर कितना है फोर इंटू वन कितना है आपका फोर है अब आपको फोर के ऐसे फैक्टर करने हैं कि अगर आप उनका प्रोडक्ट करें तो फोर आए और ऐड करें तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ जाए आपका तो भी फोर आए सो so गई कैसे कर सकते हैं टू इंटू टू कितना होता है फोर होता है एंड टू प्लस टू भी आपका फोर होता है तो so हम इसको अप्लाई कर लेते हैं फोर एक्स स्क्वायेर माइनस टू प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन राइट सो एक ब्रैकेट ओपन करते हैं फोर एक्स स्क्वायेर माइनस टू एक्स ना माइनस टू एक्स प्लस वन ठीक so, है, से क्या कॉमन आ जाता है 2x एक्स कॉमन आ जाता है that means क्या रह जाएगा, 2x माइनस वन ठीक है सो ब्रैकेट ओपन करके देखिए माइनस वन के टू एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू एक्स यही आ रहा है माइनस वन की माइनस वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस दैट मीनस प्लस वन आ गया सही है यानी कि आपने जो प्रोडक्ट किया है तो आपने क्या किया टू एक्स माइनस वन दोनों से कॉमन ले लिया तो रह जाएगा अगेन टू एक्स माइनस वन ओके सो आपको मालूम है कि जीरोज ऑफ द पोलो का मतलब जो आपका एफ एक्स होता है वो जीरो के इक्वल होता है और अगर ये जीरो के इक्वल है दैट मीन्स ये आपके जीरो के इक्वल होता है टू एक्स माइनस वन इक्वस टू एक्स माइनस वन इंटू टू एक्स माइनस वन टू जीरो so, अलग अलग हम इनको क्या करते हैं फैक्ट्राइज कर लेते हैं टू एक्स माइनस वन इक्वीरोक्स टू वन अपॉइंट टू ऑफ जीरो पोलिनोमियल सो जीरोज ऑफ द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ, कितना है 2, 2, दोनों इक्वल आए हैं सो so, अगर हम इन दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ऐड करते हैं दैट मान लेते हैं अल्फा बीटा है ये दोनों और इनको ऐड करते हैं तो वन अपॉइंट टू प्लस टू एल्सियम टू तो वन प्लस वन दैट मीन्स टू अपॉइंट टू टू वन सो इन दोनों को ऐड करने पर जीरोज ऑफिनोम को वैल्यू आती है वन और प्रोडक्ट करते हैं तो वन अपॉइंट टू इंटून अपॉइंट टू दैट मीन्स वन अपॉइंट फोर आ जाता है सो वैल्यू ऑफ सम ऑफ जीरो ऑफ द पोलोमशिप एंड प्रोडक्ट ऑफ द पोलोमियल सो हम इस इक्वेशन से इनको वेरीफाई करेंगे कि सम ऑफ द पोलोमल इस टर्म के इक्वल होता है दैट मीन्स माइनस कॉफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सो कॉफिशियंट ऑफ एक्स कितना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी है माइनस फोर सो यहाँ से क्या रखेंगे माइनस एंड बी की वैल्यू माइनस फोर कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है फोर इट मीन्स माइनस फोर अपॉन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस फोर अपॉन फोर सो वन आ गई नाउ जीरोज ऑफ द पोलोमिल का जब हमने सम किया था तो वैल्यू कितनी आई थी वन आई थी दैट मीन्स ये जो वैल्यू है आपकी अल्फा प्लस बीटा की ये वैल्यू वन आई और कॉफिशियंट से भी आपकी वैल्यू वन आई सो सम ऑफ ऑफ द समोमिल एंड कॉफिशियंट जो पोलोमिल है उस इस रिलेशन से वैल्यू क्या होती है इक्वल आती है नाउ अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं जीरोज ऑफ द पोलोमिल का तो कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होती है सो कॉन्स्टेंट टर्म क्या है भाई वन है एंड कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायेयर क्या है फोर है और आपका जब आपने जीरोज ऑफ द पॉलिनमिल्स से कैलकुलेट किया था तो भी वैल्यू वन अपॉन फोर आई थी एंड कॉफिशियंट के टर्म से कैलकुलेट किया तो भी वन अपॉइंट फोर आई सॉरी दिस इज वेरीफाइड दैट रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशेंट ऑफ द पॉलनोमिल्स आर इक्वल ओके सो गाइज़ इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर नाइन तो कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए इसमें मुझे समझ आ गया क्योंकि आपके कमेंट आपके लाइक्स मोटिवेट करते हैं कि यस आपको समझ आ रहा है ओके गाइज सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर टेन

That means फोर और थ्री की मल्टीप्लाई करें 12 Now, 12 की की multiply तो ट्वेल्व आया नाउ ट्वेल्व के ऐसे फैक्टर कीजिए जो मल्टीप्लाई करने पर तो ट्वेल्व आए एंड सब करने पर वन आए नाउ हम यहीं से देख लेंगे फोर्थ जो ट्वेल्व एंड फोर माइनस थ्री वन होता है तो यही अप्लाई हो जाएगा हो जाएगा ना गाइज सो आइए देख लेते हैं थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन की जगह क्या लिख लेंगे फोर माइनस थ्री ठीक है इंटू एक्स माइनस फोर वन की वैल्यू क्या फोर माइनस थ्री माइनस करेंगे तो वन आएगा ब्रैकेट ओपन कीजिए थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा प्लस थ्री एक्स माइनस फोर नाउ सॉल्व कीजिए क्या को मना रहा है एक्स को मना रहा है थ्री एक्स माइनस फोर यहाँ से क्या को मना रहा है कुछ नहीं तो वन आ जाएगा तो थ्री एक्स माइनस फोर आ जाएगा दोनों से गाइस क्या को मना रहा है

सी एक्स माइनस फोर इंटू एक्स प्लस वन किसके इक्वल होगा जीरो के तो इंडिविजुअली इनको जीरो को देते हैं सी एक्स माइनस फोर इक्व टू जीरो सो सॉल्व कीजिए थ्री एक्स इक्व टू फोर दैट मीन्स एक्स इक्व टू फोर अपॉन सी एंड यहां से करेंगे कैलकुलेट तो एक्स इक्व टू माइनस वन राइट सो द जीरोज ऑफ द जीरोज ऑफ दॉलिनोम रिलेशनिप बिटवीन जीरो पोलिनोम सो हम क्या करते हैं जीरोज ऑफ द पोलिनोम का फर्स्टली सम करते हैं तो हम जैसे कि जानते हैं कि अल्फाबीटा होते हैं कॉन्सेंट के फॉर्म में आप कब मानते हैं नॉर्मली अल्फाबीटा मानते हैं जीरोज ऑफ द पोलियोमेल सो इनकी वैल्यू क्या आई फोर थ्री माइनस वन आई ठीक है तो फोर अपॉन्ट सी एल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू माइनस वन दैट मीन्स फोर अपॉन्ट थ्री माइनस वन जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता भैया वन होता है थ्री एल सी एफ सो फोर माइनस थ्री इट मीन्स वन अपॉइंट सी हैंस अगर हम जीरोज ऑफ दो पोलोमिल्क का प्रोडक्ट करते हैं तो वैल्यू वन अपॉइंट थ्री आती है और प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट कर लीजिए फोर अपॉइंट थ्री इंटू माइनस वन इट मीन्स माइनस फोर थ्री आती है

सो कॉफिशियट ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो एक्स बी की वैल्यू कितनी है माइनस वन सो माइनस माइनस वन कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है सी है दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस वन अपॉन सी सो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई और आपने जब जीरोज ऑफ द पोलोमल का सम किया था तब भी वन अपॉइंट सी आई थी कॉफिशियंट की फॉर्म में भी वन अपॉइंट सी आई राइट सो वेरीफाई हो गया रिलेशनशिप आपका नाउ अगर हम प्रोडक्ट देखते हैं जीरोज ऑफ द पोलोमियल सो कॉफिशेंट के टर्म में फॉर्मूला होता है कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर सो कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है भैया आपकी माइनस फोर है तो यहाँ पे रखेंगे माइनस फोर एंड कॉफिशियंट ऑफ एक्स भैया कितना है थ्री है सो so, आपकी अल्फा बीटा की वैल्यू यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कितना आ गया माइनस फोर अपॉन सी। जब हमने प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कैलकुलेट किया था तो वैल्यू कितनी आई थी माइनस फोर अपॉइन थ्री ना सो माइनस फोर अपॉइंट थ्री यहाँ से आई थी एंड इससे भी आपकी माइनस फोर अपॉइंट थ्री आ गई दैट मीन्स वैल्यू वेरीफाई हो गई जीरोज एंड कॉफ्यूशन ऑफ द पॉलिनोम के बीच में की इक्वल है सो so गाइज इस तरीके से क्वेश्चन नंबर टेन आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है आई होप आपको समझ आ गया होगा समझ आया तो वीडियो लाइक कर दीजिए कमेंट कर दीजिए यस yes, मैम समझ आ गया है ठीक है सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर नीचे